Dear students, BSc part, first में मैथ्स के तीन पेपर होंगे, जिनमें से पेपर फर्स्ट जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इसको जिसको विविक्त गणित भी कहते हैं, इस विविक्त गणित में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपके एग्जाम में 4-5 यूनिट आएंगी। आज अपन यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपका पहला जो टॉपिक है आपका वो है सेट एंड प्रपोजिशन, सेट एंड प्रपोजिशंस। इसके अंदर आपका है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन और मैथमेटिक मैथमेटिकल इंडक्शन। इस पार्ट से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा जो पार्ट है इस यूनिट का वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, फंक्शंस रिलेशन और फंक्शन है, उसमें आपका जो है वो है बाइनरी रिलेशन, रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन, पार्टीशंस पार्शियल ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लैटिसेज चेंस एंड एंटी चेन चेंस पिजन हॉल प्रिंसिपल हॉल प्रिंसिपल। ये आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अपन बात करते हैं पहले जो आप पढ़ के आए हैं पिछली कक्षाओं में सेट के बारे में। आप पढ़ के आए हैं पिछली कक्षा में सेट या समूचे, सेट्स या समूचे आपका है किस तरह से डिफाइन किया था आपके पास। ये आपका एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, और यह वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह है उसको अपन आप पढ़ के हैं जिस तरह से कि उसको क्या कहते हैं समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय के जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है उसको अपन समुच्चय के अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं।
अवयव, जिन वस्तुओं से समुच्चय बन रहा है, सेट बन रहा है आपके पास है, वो आपका, जिन ऑब्जेक्ट्स है ये जो सेट्स बन रहा है वो आपका, उसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ा है, ये साथ आपको ये भी बताया होगा कि जो सेट है इसको अपन कैपिटल अक्षर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से अपन लिखते हैं। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। साथ में ये भी बताया कि जैसे एक्स है, इस सेट ए का एलिमेंट्स है, तो मीन्स इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और यदि एक्स सेट का एलिमेंट्स नहीं है तो इसको अपन इस तरह से लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 ए और बी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 है वो इस सेट का एलिमेंट्स है, कहें 4 इस सेट का एलिमेंट्स नहीं है, तो इस तरह से अपन इसको लिख देंगे। तो फर्स्ट आपने ये भी देखा होगा कि जो सेट है इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का, या यूं कहें कि समुच्चय का निरूपण। पिछली कक्षा में पढ़ा है कि आपने कोई भी सेट है उस सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। एक तो आपका है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन सारणी बदरूप भी कह देते हैं। दूसरा जो आपका रिप्रेजेंटेशन है सेट का, उसको अपन रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, या नियम रूप या समुच्चय। समुच्चय निर्माण रूप, ये आपके पास है कोई भी सेट है उसको अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सारणीबद्ध रूप में आपका, ये आपके पास उसके एलिमेंट्स को अपन एक सारणी के रूप में लिख देते हैं, ए जैसे कोई समुच्चय है ए, और इस समुच्चय के एलिमेंट्स हैं 1, -1, आयटा और -आयटा। तो इस समुच्चय को ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं वो आपका टेबुलर फॉर्म है, और इसी समुच्चय को अपन रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, ये सेट ही है और ये आपके पास क्या है, उन एलिमेंट्स का सेट है जिसके लिए एक्स की पावर 4 लगाएं वो आपका 1 आ जाए, एक्स की पावर 4 बराबर 1, ये आपका सेट ए ही है। इस सेट के आपके पास दो तरह से अपन निरूपित कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में सारणीबद्ध रूप में, और एक अपन नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप या रूल फॉर्म कर दें, इस तरह से सेट ए है इसको अपन इस तरह से सारणीबद्ध करके लिख दीजिए, टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, या फिर आपके पास है रूल फॉर्म में लिख दीजिए, आपका सेट है। तो ये आपके कुछ बेसिक चीज़ थे, सेट किस तरह से डिफाइन करते हैं, सेट जिन और सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स को किस तरह से अपन लिखते हैं, सेट को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं या निरूपित करते हैं, दो फॉर्म हैं, ये आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है।
साथ में आपने कुछ विशेष प्रकार के सेट्स आपने पढ़े हैं, एक तो एन जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके अंदर आपने पढ़ा था कि इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स इसके होते हैं। दूसरा पढ़ा था डब्लू, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और इसके अंदर 0, 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स होते हैं। साथ में ये भी पढ़ा था सिंबल जेड और आई, जनरली अपन सिंबल जेड ही यूज करते हैं, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास है -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। ये पहला आपके पास है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड है सेट ऑफ होल नंबर, नंबर्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय या आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। और जेड है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे पूर्णांकों का समुच्चय, को का समुच्चय। साथ में आपने ये सिंबल भी पढ़ा था क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखें तो अपने पास वो एलिमेंट्स एक्स होते हैं, जिस एक्स को अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू जो है वो आपके पास है इंटीजर हैं, एंड क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, नंबर्स परिमेय संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय आपने पढ़ा था। एक आपने पढ़ा था आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर सिंबल आर, ये आपका है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक संख्याओं का समुच्चय वो आपका आर। एक आपने पढ़ा था सेट सी, जो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अपन ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, साथ में अपने कई टाइप के सेट्स आपने पढ़े हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय इसको अपन रूल फॉर्म में लिखें तो आपके पास सी में क्या वो एक्स है, जो एक्स आपके पास है
जो सिंबल्स आपने काम लिया Z1 और Z2 या A प्लस आइटा भी ले लें, वेयर A एंड B आर रियल नंबर एंड आइटा है वो आपका है अंडर रूट -1, ये आइटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपने, ये कुछ सेट्स हैं जिनके सिंबल्स हैं वो आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़े हैं। साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि दो सेट हैं, इक्वलिटी ऑफ टू सेट, अर्थात समान दो संख्याओं की समानता या समान समुच्चय। दो सेट हैं ए और बी, समान समुच्चय है, इसको अपन ए इक्वल टू बी सिंबल कब, यदि इफ एक्स एलिमेंट्स है ए का तो एक्स एलिमेंट्स होगा बी का भी, इफ एक्स एलिमेंट्स है ए का तो एक्स एलिमेंट्स किसका होगा, बी का, यदि एक्स बी का एलिमेंट्स है तो एक्स ए का भी एलिमेंट्स होगा। तो ये दो सेट हैं वो आपके पास है, इक्वल सेट कहलाते हैं, दो सेट हैं ये आपके पास इक्वल सेट हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने लिखा भी देखा था कि दो सेट आपके पास, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1-1 आइटा और माइनस आइटा, दूसरा सेट बी उसके अंदर वो एक्स हैं जिसके लिए एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 है। आप देख रहे हैं कि दोनों सेट हैं ए और बी दोनों सेम ही हैं, सेट ए और सेट बी दोनों सेम ही हैं, ये दोनों आपके पास क्या है, सेम ही सेट है। यह दूसरा अपन एक एग्जांपल और लें, ये एक एग्जांपल आपके पास लिया कि ये दो सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। दूसरा एग्जांपल अपन और लें कि एक सेट आपके पास है ए, उसके अंदर वो अक्स हैं जो कि एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहाँ एक्स है वो रियल नंबर है, जो क्या रियल नंबर है, एक सेट ए है। दूसरा सेट बी लें, उनके अंदर वो अक्स हैं जो कि एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3 वेयर एक्स इज एक्स एलिमेंट्स है क्यू का। यह तीसरा सेट अपन सी लें, वो एक्स जिसके एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3 एक्स एलिमेंट सेट जेड का। आप देखते हैं, और चौथा अपन एक सेट ओ ले लें डी, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लें -1। आप देखेंगे कि ये चारों सेट हैं वो समान हैं, सभी के अंदर आपके, आप देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आता है, -1 रियल नंबर है, -1 क्यू का एलिमेंट्स भी है, -1 जेड का एलिमेंट्स भी है। तो आप देख रहे हैं कि ये सेट, चारों सेट हैं वो आपके पास समान सेट है, समान सेट है। एक आपने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट लेंथ सेट्स, तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय। तो दो सेट ए और बी वो इक्विवेलेंट है कब, यदि आपके पास है इनके मध्य 1-1। मैंने पढ़ा था कि दो सेट आपके पास हैं या दो समुच्चय हैं ए एंड बी, परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि उनके मध्य 1-1 करस्पोंडेंस, एक एक की संगतता 1-1 करस्पोंडेंस, 1-1 कहते हैं,
करस्पोंडेंस विद्यमान। तो ये दोनों सेट आपके पास है, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। वन वन करस्पोंडेंस क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन अपन डिफाइन करें सेट ए से बी में, वो वन 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 टू हो, तो अपन कहते हैं कि दोनों सेट हैं उनके मध्य आपके पास एक एक ही संगतता है। फॉर एग्जांपल लें, जैसे ए आपका सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री और फोर, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, चार। दूसरा सेट बी ले लें, ए बी और सी और डी, ये दोनों सेट आपके पास है ए और बी, ये आपके तुल्य समुच्चय हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स के मध्य हैं। आपके पास अब वन वन करस्पोंडेंस अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन ये ध्यान रहे कि आपके पास नोट करके लिखें, ए की प्रत्येक समान समुच्चय सदैव तुल्य होते हैं, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं परंतु विलोम जो आपके पास है सदैव सत्य नहीं होता, नहीं होता है। और यह कहें कि अपने पास परंतु तुल्य समुच्चय हैं, वो आवश्यक नहीं है कि वो समान हो, वो समान हो क्योंकि तुल्य है तो इसका इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या समान है। यदि सेम ही अवयव हो दोनों के अंदर तो वो दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। यदि ए में एक अवयव बी में है, बी का ए में है, संख्या समान है, तो वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो जाएंगे। लेकिन अवयव कितने हैं दोनों के अंदर, बराबर बराबर हैं, तो वो आपके पास है तुल्य समुच्चय हो गया। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे।